नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी काफी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह की घोषणाएं और वादे भी शामिल किए जा रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। प्रण पत्र के नाम से जारी किए गए 16 पेज के इस मैनिफेस्टो में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम ही गायब कर दिया गया। जी हां, इससे पहले स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगदानंद सिंह को मीसा भारती से भी नीचे की जगह दी गई थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने उन्हें घोषणा पत्र में शुभकामना देने लायक भी नहीं समझा। दरअसल तेजस्वी यादव ने आज 2020 चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन घोषणा पत्र जारी करते समय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू को बुलाया जरूर गया, लेकिन तेजस्वी ने जिस प्रण पत्र को जारी किया उसमें सिर्फ लालू परिवार को ही जगह मिली। राजद के घोषणा पत्र में सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का संकल्प का आलेख एक एक पेज में छपा है, लेकिन बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को संकल्प पत्र में कोई स्थान नहीं मिला। शुरुआत में लालू राबड़ी का संकल्प है और अंत के पेज पर तेजस्वी यादव का प्रण है। बीच के 17 पॉइंट्स में सत्ता में आने पर तेजस्वी यादव जो काम करेंगे उसका वर्णन किया गया है। बता दें कि राजद ने कुछ दिन पहले स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। सूची में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और उसके नीचे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को रखा गया था। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज। नमस्कार।